हमास हमले को लेकर इसराइल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमास ने इसराइल पर एक बड़ा हमला करके उनके 1200 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी है। कई रिपोर्ट्स में इस हमले को खुफिया एजेंसी मोसाद की बड़ी चूक मानी जा रही है। लेकिन इस बीच हमास हमले को लेकर एक सनसनीखेज दावा भी किया गया है। बताया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के हमले के 3 दिन पहले खुफिया जानकारी दी गई थी। ये दावा अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ने खुद किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के प्रमुख माइकल मैककॉल ने कहा है कि हमास के लड़ाकों के इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करने और हजारों लोगों की हत्या करने के 3 दिन पहले मिस्र से संभावित हिंसा की चेतावनी मिली थी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने इन दावों को फर्जी भी बताया है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व संकट के बारे में बुधवार को बंद कमरे में खुफिया ब्रीफिंग के बाद मैककॉल ने कहा कि हम जानते हैं कि मिस्र ने 3 दिन पहले इसराइलियों को चेतावनी दी थी कि इस तरह की घटना हो सकती है। टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद ने कहा, मैं ज्यादा क्लासिफाइड बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चेतावनी दी गई थी। मुझे लगता है कि सवाल किस स्तर का था। इधर मिस्र के एक खुफिया अधिकारी ने भी इस हफ्ते एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि काहिरा ने बार बार इसराइलियों को चेतावनी दी थी कि गाजा से कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया जा रहा है। नाम ना छिपाने की शर्त पर अधिकारी ने कहा, हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि स्थिति विस्फोटक होने वाली है और बहुत जल्द, और ये बड़ा होगा। लेकिन उन्होंने ऐसी चेतावनियों को कम करके आका। काहिरा के अधिकारी ने कहा कि इजरायली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गाजा से खतरे को कम कर दिया था। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स ने मामले में परिचित 2 अनाम इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा है, उन्हें किसी विशेष हमले की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस तरह के दावों को पूरी तरह से फर्जी करार दिया। इजरायल को घातक हमले के पहले एक विशिष्ट चेतावनी मिली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।